अरे बाप रे बाप, फ्रैंकलिन भैया आप कहाँ पे छुपे हुए हो, मैं आपको पकड़ लूंगा। अरे शिनचैन जल्दी ढूंढ फ्रैंकलिन भैया को, अगर हम लोगों ने फ्रैंकलिन भैया को एक मिनट के अंदर ढूंढ लिया तो फ्रैंकलिन भैया हमें बर्गर खिलाने के लिए लेके जाएंगे। इसके पर तो गाइस वीडियो को लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले है। शिनचैन जल्दी कर, ढूंढ फ्रैंकलिन भैया को। अरे ढूंढ रहा हूँ, रुको रुको रुको। अरे यार तुम लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। चलो 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 चलो, इन लोगों को मैं नहीं लेके जाने वाला घूमने के लिए ना, बर्गर वर्गर खाने के लिए। कहाँ पे छुपू, कहाँ पे छुपू? अरे ये गाड़ी किसकी है, मेरे को क्या करना है, मेरी गाड़ी में छुपू? नहीं यार, उन लोगों को शक हो जाएगा कि मैं अपनी गाड़ी में छुपा हुआ हूँ। ये किसकी गाड़ी है? ओए खुली हुई गाड़ी है, चलो इसके अंदर ही छुप लेता हूँ। थक गया यार, गाड़ी तो मस्त है, किसने लगाई है? शुक्रिया तुम्हारा। ये क्या, ये आवाज कहाँ से आ गई? ओ रेडियो के अंदर से आवाज है। बहुत थक गया यार, शिनचैन चॉप के साथ हाइड एंड सीक खेल खेल के मुझे नहीं लेके जाना यार उन लोगों को बर्गर के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। अरे यार कहाँ पे होंगे फ्रैंकलिन भैया, समझ भी नहीं आ रहा है। ये क्या फ्रैंकलिन भैया, आप गाड़ी के अंदर, मैंने आपको पकड़ लिया। अरे रुक जाओ, ये क्या फ्रैंकलिन भैया तो सो रहे हैं, तो गाड़ी कौन चला रहा है? अरे चॉप क्या हो गया? शिनचैन फ्रैंकलिन भैया किडनैप। क्या बेवकूफ लोग है, ये नमूना तो मेरे पेट के अंदर सो गया। मेरे पेट के अंदर सोने के लिए मेरा पेट सोने की जगह है या कोई होटल है? बॉस भी मुझे क्या काम देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इस नमूने को लेके चलता हूँ, इसमें बॉस ने क्या देखा कि इसको लाने के लिए मुझसे से ताकतवर योद्धाओं को भेज दिया। चल बेवकूफ। क्या वो चीज तैयार हो चुकी है जिस चीज के लिए मैं हजारों साल तक सोया रहा? मेगाट्रॉन सोया रहा था, क्या ये चलती है? हाँ मेगाट्रॉन, हमने डिसेप्टिकॉन्स ने मिलके ये चीज बना दी। इसे बनाने में हमें हजारों साल लगे। हमने आपके डीएनए से, यानी डिसेप्टिकॉन्स के सरदार मेगाट्रॉन, आपके डीएनए से एक ऐसा क्रीचर बना दिया है जो कि एक सेल ब्लास्ट करने वाला क्रीचर है। हमें बस इसको चलाना है और जिंदा करना है। अगर एक बार ये क्रिएचर चल गया और ये जिंदा हो गया तो आपको इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं हरा सकता, ना तो ट्रांसफॉर्मर्स, ना कोई क्यूबिक की पावर। ये सबसे ताकतवर है, आप इसे कंट्रोल भी कर पाओगे। कैसा लगा तोहफा? तोहफा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे चलाए कैसे? इसे एनर्जी किस चीज से मिलती है? इसे खाना खिलाना पड़ेगा। और इसका खाना क्या है? इसको खिलाने के लिए एक प्लेनेट लगेगा। ऐसा प्लेनेट हमें कहाँ पे मिलेगा? एक प्लेनेट है ना जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स छुपे रहते हैं, यानी पृथ्वी। अर्थ के ऊपर चलते हैं, इसको अर्थ का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और ट्रांसफॉर्मर्स का खात्मा भी होगा। सही कहा बॉस, चलो चलते। चल मेरे क्रीचर, तुम्हें खाना खिलाने के लिए एक प्लेनेट मिल चुका है, हरा भरा और शुद्ध हवा से भरा हुआ। चलो बहुत अच्छी नींद आई, चलो चलते अब यहाँ से। शिनचैन चॉप, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है? ये तो मेरा घर नहीं है। सही कहा, ये तुम्हारा घर नहीं है फ्रैंकलिन, तुम्हें हमने बुलाया है यहाँ पे। वेट अ सेकंड, बोलने वाले रोबोट्स। तुमने हमारा नाम तो सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर प्राइम्स, हम सारे के सारे ऑटोबोट्स से। ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मर्स, मुझे पता है मुझे पता है, मैं थोड़ा सा नींद में हूँ, अब याद आ गया। ट्रांसफॉर्मर प्राइम, मैं तुम्हें जानता हूँ, बम्बलबी, ये बाकी के कोने नहीं पता। और ये तो वही गाड़ी है ना जिसके अंदर मैं बैठा था और सो गया था। सही कहा, दो मिनट के लिए रुक जाओ। खट खट खट, ये क्या हो गया? मैं अपनी असली रूप में आ गया। एक बूढ़ा आदमी जो कि सिगरेट पी रहा है, गंदी बात। बेवकूफ, मैं जो चाहे वो करूँ, ये सिगरेट नहीं है, ये गोलियां है, गोलियां। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय द वे ऑक्टिमस प्राइम, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमारा प्लेनेट मेगाट्रॉन ने पूरी तरीके से दबा कर दिया। उसके बाद क्यूबिक की ताकत भी बहुत कम बची हुई है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और अब हमारे पास इतनी सारी एनर्जी नहीं है कि हम लोग बाहर घूम के मेगाट्रॉन से लड़ सके। हाल ही में हमारे काबिल योद्धा बम्बलबी से इन्फॉर्मेशन मिली है, मेगाट्रॉन कुछ चाल चल रहा है जिसकी बदौलत अर्थ के ऊपर खतरा हो सकता है। हम लाखों सालों से अर्थ की रखवाली करते आ रहे हैं और इस समय हमारी क्यूबिक की एनर्जी कम हो चुकी है, इसीलिए हम लोग नहीं लड़ सकते। तो हम लोग एक योद्धा चुन रहे हैं और हमने एवेंजर्स से डाटाबेस से तुम्हारा नाम निकाल लिया क्योंकि तुमने बहुत सारे मिशन सक्सेस करके दिखाए हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ऑक्टिमस प्राइम, तुम सब के लिए, यानी ऑटोबोट्स के लिए काम करने के लिए
लिए मैं बहुत ही बेताब हूँ, ऐसा मौका मुझे दिया शुक्रिया। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ऑटोबॉट बनना होगा। बाय द वे, लेकिन कैसे? हमारे पास तुम्हारे लिए एक सूट है, उससे तुम ट्रांसफॉर्मर्स बन सकते हो। और उस सूट को अपग्रेड करने के लिए ये रहा ट्रांसफॉर्मर्स का ऑनलाइन स्टोर, ये रहा तुम्हारा सूट। 3, 2, 1। ऑसम, ये वाला सूट तो बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन $1 वाला सूट है, चल जाएगा। तो जाओ फ्रैंकलिन, जाके ऑटोबॉट्स की ट्रेनिंग लो, और ध्यान रखना मेगाट्रॉन की कोई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। शुक्रिया ऑप्टिमस प्राइम। चलो 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 गाड़ी से चलते हैं। लेकिन वेट अ सेकंड, मैं एक ट्रांसफॉर्मर बना हुआ हूँ, तो क्या हम लोग गाड़ी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। 3, 2, 1, ट्रांसफॉर्म। ऑसम, मैं एक बाइक में ट्रांसफॉर्म हो गया, मजा आ गया, ये तो बहुत ऑसम है। यार कहाँ पे मैं हाइड एंड सीक खेल रहा था, और आज मैं एक ट्रांसफॉर्मर बना हुआ हूँ। चलो चलते हैं, पैसे कमा के अपग्रेड करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स को, लेट्स गो। लेकिन वैसे मैं बहुत जोश में तो आ गया हूँ, लेकिन करे तो करे क्या करे। वेट अ सेकंड, ये कॉल किसका आ रहा है? इसमें तो ऑटो रिसीव का सिस्टम भी है। ओके रिसीव। फ्रैंकलिन तुम कहाँ पे हो? हमेशा की तरह टोनी स्टार्क। अरे मुंह गिराना बंद कर दो, शहर में कुछ गड़बड़ हुई है। पता नहीं, मैंने जो अल्ट्रॉन्स के कॉपी बनाए थे वो अचानक से चालू हो गए और शहर में तबाही मचा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। जाओ तुम उसे जल्दी रोको। बाय द वे, मैं एक मिशन के ऊपर हूँ हर रोज की तरह, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे उस मिशन के लिए? ओके फ्रैंकलिन, $10,000 में डील डन करते हैं। ओके डील डन, तो मैं तुम्हारे अल्ट्रॉन्स को तबाह कर देता हूँ। चलो, बाय द वे लोकेशन तो यही की दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई अल्ट्रॉन्स दिख ही नहीं रहे। वेट, अरे बाप रे बाप, ओहो, ये रहे नमूने। चलो इनको बताते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। चलो अब बताते हैं कि हम ऑटोबॉट्स क्या कर सकते हैं। सारे के सारे अल्ट्रॉन्स अभी के अभी खत्म हो जाएंगे। फ्रैंकलिन, उन्हें खत्म नहीं करना है, उन्हें बस बेहोश करना है। टोनी स्टार्क, इसकी तो डील हुई नहीं थी, इनको मैं कैसे डिस्चार्ज कर दूं? ये तो मेरे ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। ओके, अब यार क्या ही करें, मार दो इन लोगों को। कब से वही तो कर रहा हूँ। वो शुक्रिया टोनी स्टार्क, तुम्हारी वजह से मुझे आते ही पैसे कमाने का मौका मिल गया। वो क्या पंच था, ये आखिरी बचा हुआ है। ये ले, यहाँ पे भी एक है, तो चलो इसको भी फटाक से निपटा देते हैं। ये भी गया उल्टा पुल्टा, वहाँ पे रोड के साइड भी 3 बंदे हैं, ये आखिरी बचा है बोर्ड के पास। तू भी गया नमूने, ये ले। ओ भाई, बहुत खतरनाक वाला सूट है गाइस ये अल्ट्रॉन का, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मर का सूट इनके सामने बचा है। ये ले, कुछ बचे हुए है, लेकिन अब बारी है हमारे ट्रांसफॉर्मर बॉम्ब्स की। ये ले। मेरे स्कूटर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स का बॉम्ब भी है, लेकिन इसे स्कूटर नहीं बोल सकते भाई, ये सुपर पावर है। ये ले। फिनिश, तू बचा है बच्चू, आखिरी पंच। वो चलो फाइनली अल्ट्रॉन का किस्सा निपट गया। ओह ये क्या, अकाउंट में पैसे भी आ गए, टोनी स्टार्क तो बहुत तेज है। तो गाइस विदाउट वेस्ट एनी टाइम, ये खोलो ऑनलाइन स्टोर और 10,000 का सूट परचेस। ये तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है, पूरी की पूरी स्टील बॉडी है। चलो चलते हैं, लेकिन ये भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है मेरे हिसाब से, गाड़ी चुराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ट्रांसफॉर्म। ओह वाओ, फाइनली ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या लुक है यार, मजा आ गया। एक्सपोर्ट्स कर, अरे अरे इसकी एसी की तेसी, इन लोगों की कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चलो यार, इस गाड़ी को चलाने में भी बहुत मजा आ रहा है भाई, ट्रांसफॉर्मर के कितना अच्छा लग रहा है। हेलो अंकल, हाउ आर यू? क्या बेटा, अरे गाड़ी के तो कोई नहीं है, ये तो टार्जन वाली गाड़ी लगती है। मम्मी सही कहा, ये टार्जन वाली गाड़ी है। हु, चलते हैं। अरे ये क्या, ये किसका कॉल आ गया? ऑटो रिसीव हो गया यार, ये सिस्टम कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है। शिनचैन कॉल क्यों किया है? ओह माय गॉड पिंकल भैया, आप तो ट्रांसफॉर्मर्स बन गए, इतनी जल्दी पता चल गया? अरे है, टोनी स्टार्क ने बताया मेरे को, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। हाँ बता क्या हो गया है? अरे एक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसका प्राइस पूल $50,000 है, और मैंने अपना नाम रजिस्टर करवा दिया है। और उसके बदले में तुझे चाहिए क्या? और क्या, दो बर्गर्स, एक मेरे लिए एक चॉप के लिए। ठीक है, रख फोन, चलो गाइस चलते हैं बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन के लिए, शिनचैन भी कभी कभी काम आ जाता है। लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो ट्रांसफॉर्म फाइनली हो गए, यही पे कहीं पे तो है। चलो ढूंढते हैं, बॉक्सिंग के लिए एक ऑटोबॉट आया है जो कि मेटल का मैन है। चलो चलते हैं। अरे वाह गाइस, फाइनली मुझे मिल गई वो लोकेशन, यहाँ पे हो रहा है बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन, बहुत बड़ी तादाद में भीड़ आई हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो पहले अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, वैसे शिनचैन ने तो नाम रजिस्टर करवा दिया है। हेलो मैं हूँ ऑटोबॉट। क्या कहो ऑटोबॉट? अरे हाँ तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड है, जाओ तुम्हारा ही कॉम्पिटिशन है, वो रहा अपोनेंट। क्या कहा, मेरा ही कॉम्पिटिशन है? वेट अ सेकंड, ये कौन है? ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज है,
डेड डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ, डेड डॉक्टर स्ट्रेंज। कौन है ताकतवर यहाँ पे, बोलो? ये ऑडियंस तो डेड डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ लगती है। अरे इतना उसको क्यों चीयर कर रही हो? कोई बात नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज, आ जाओ। क्या बोलती हो, मैच शुरू करे? कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज। मुझे तो ये मेटल मैन के ऊपर पैसे लगाने का मन कर रहा है। ठीक है मैच चालू करो। क्या कहा, मैच चालू करो? ऑल राइट डॉक्टर स्ट्रेंज, ये ले भाई। क्या पंचमाला है, पहले ही गुस्से में डॉक्टर स्ट्रेंज को निपटा दिया। ये क्या हो रहा है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज तो हार रहा है। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज जीतेगा? वही जीतेगा। अबे नमूने तू इधर क्या कर रहा है? ओके ओके, आ जा डॉक्टर स्ट्रेंज। आराम से बच्चे, आ जा। वो 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 भाई तू मार नहीं पा रहा है क्या मुझे? तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? डॉक्टर स्ट्रेंज से बच रहे हो, आ जाओ डॉक्टर स्ट्रेंज तुम्हें खत्म कर देगा। अबे पागल लड़के, ये ले मेरा एक घूसा तुम्हें निपटा देगा, क्योंकि हम है ऑक्टिमस प्राइम के चेले, ऑटोबॉट्स है हम लोग। तो गाइस चलो इसको खत्म करते। भाई 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 भाई, आजा। एक आखिरी मौका है। ये ले भाई, क्या पेल रहा हो इसको? मुझे नहीं लगता गाइस डेड डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे हरा पाएगा। अरे भाई भाई, ओ ओ ओ, पाइप ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा पाओगे? ये ले बॉक्सिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना इम्पॉसिबल है। गाइस अब बहुत हो गया, एक मौका मुझे बस मिल जाए तो मैं इसका नाम निशान मिटा देता हूँ। कैसा लग रहा है तुझे? ये क्या हो रहा है, तुम मुझे कैसे हरा रहे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब ही होता है पॉसिबल। ये ले बाय 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 बाय, पकड़ के तू दिखा डॉक्टर स्ट्रेंज। ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा था ना मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। भाई इसकी स्पीड तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स बाइक है। ये ले डॉक्टर स्ट्रेंज, ये ले इससे भी काम नहीं बना तो ये खा। रिंग के बाहर गिरा दिया डॉक्टर स्ट्रेंज। रिंग के बाहर भी हम तुमसे लड़ने वाले। ये मजा आ गया। नहीं छोड़ दो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज से निपट गया है। कहते हुए दुख हो रहा है, विजेता है ट्रांसफॉर्मर ऑटोबॉट। नहीं कहा, मैंने कहा था जीत गया मेरा पहलवान। शुक्रिया आंटी मेरे ऊपर बेट लगाने के लिए। क्या कहा आंटी, निकल यहाँ से। आज जा रहा हूँ, पैसे तो मुझे मिल गए हैं। चलो निकलते हैं। भाई मेरे पास $50,000 आ चुके हैं, तो बस यहाँ पे कोई मुझे देख ना ले तो इस कोपचे में चलते हैं। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम ये खोला मैंने शॉप और $50,000 का सूट परचेज। ऑसम, ये तो भाई बिल्कुल भी बम्बल बी की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है बम्बल बी का छोटा भाई है। चलो अब यहाँ से चलते है। अरे वेट सेकेंड, ये दीवार के ऊपर पोस्टर क्या लगा है? रैम चैलेंज, जो जीतेगा उसको मिलेगा $1,00,000 का इनाम। ये तो मुझे करना ही चाहिए, और लोकेशन भी ज्यादा दूर नहीं है, तो चलो। लेकिन यार ट्रांसफॉर्म होके बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, इसीलिए ये जिसकी भी गाड़ी है मैं वापस नहीं करने वाला। चलो चलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। हेलो, मैं एक पीला ऑटोबॉट हूँ ट्रांसफॉर्मर। अरे बेटा तुम्हारा नाम यहाँ पे लिख दिया है, बहुत अजीबोगरीब नाम है। ठीक है तुम जाओ, उसके साथ तुम्हारा रैम चैलेंज है। ओके शुक्रिया अंकल। अंकल वैसे रैंप ऑर्गेनाइजर कम लग रहे, माफिया ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन वेट सेकेंड, ये क्या, इसके साथ मुझे रैम खेलना है? तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। अरे यार आज का दिन ही खराब है, हल्के नमूने मुझे जीतने दे प्लीज। नहीं मैच चालू करो, 3-2-1 स्टार्ट। ओके ये ग्रीन कलर की गाड़ी मेरी मेरी गाड़ी फेवरेट थी, लेके चला गया। अरे वेट, मुझे गाड़ी की क्या जरूरत है? चलो ट्रांसफॉर्म। वाओ क्या प्यारी बुगाटी, मुझे तो ये बहुत पसंद आई, और इसकी स्पीड तो बहुत ही तेज है। नहीं चाहिए तेरी ग्रीन कलर की गाड़ी। आहा भाई जाई, अब मैं ही जीतने वाला हूँ। चलो लेट्स गो, आराम से। लेकिन यहाँ पे तो मुझे गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं यही गाड़ी लेके चलूंगा। चलो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म हल्क। मैं भी मेरी ग्रीन कलर की गाड़ी लूंगा, मुझे भी यही पसंद है। ऐसी बातें, लेकिन आपके भाई के पास तो है बुगाटी। चल जा। मैंने गाड़ी चेंज कर ली, मेरा मन बदल गया, मैं तुझे कुचलने वाला हूँ नमूने। क्या कहा कुचलने वाला है? वेट सेकेंड, इसने तो ट्रक ले लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, यही मौका है हम लोगों को आगे जाने का। हल्के बच्चे, अरे यार ये क्या कर रहा है, मुझे जीतने का मौका तो दे। मैंने कहा ये पैसे मेरे हैं। अरे मुझे
मुझे चाहिए, दुनिया खतरे में है हाल। कोई बात नहीं, मैं ही दुनिया को तबाह कर दूंगा। क्या बोल रहा है, इसको खुद को समझ में आ रहा है नमूना कहीं का। कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरी फेवरेट बाइक नहीं है। ओके ट्रांसफॉर्म, ओहो फाइनली हो गई ट्रांसफॉर्म। यार मुझे नहीं लगा था कि ये वाला ट्रांसफॉर्मर दो दो गाड़ियों में अपग्रेड हो सकता है। आराम से आराम से आराम से, गिरियो नहीं गिरियो नहीं गिरियो नहीं। ओके 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 ओके, पहुँच गया। इजी पीजी। ये क्या, ये तो जादुई बंदा है, ये गाड़ी के ऊपर कोई क्यों नहीं है। अरे कैसे होगा, क्योंकि वो बंदा खुद ही गाड़ी है। आराम से, ये क्या, मेरे आगे नहीं, मेरे आगे नहीं। आराम से, आउट ट्रांसफॉर्म। पीली गाड़ी में अपग्रेड हो गया वापस से। भाई ये तो कितने सारे व्हीकल्स में अपग्रेड हो सकता है। ये वाला ट्रांसफॉर्मर मुझे बहुत बेस्ट लगा। हल्को ये जादुई आदमी पसंद नहीं, तो मेरे से थोड़ा दूरी रहे, क्योंकि मैं जादू टोना करता हूँ। और मेरे को गुस्सा दिलाएगा हल्क, तो मैं तुझे चिपकली बना दूंगा। क्या कहा, हल्को चिपकली से डर है। अरे साइड हट। भाई क्या बचा हूँ, भाई जीत गया ट्रांसफॉर्म। ओहो हल्क मुझसे हाथ तो मिला ले। नहीं मिलाना, चिपकली कहीं का। चला गया, कोई बात नहीं गाइस, मेरे अकाउंट में तो $1,00,000 आ चुके हैं। तो गाइस ये खोला ऑनलाइन स्टोर और $1,00,000 का सूट परचेज। ओ तेरी की, ऑसम भाई, ये वाला तो बिल्कुल भी कोयले की तरह लग रहा है, लेकिन चलेगा यार। मुझे ये वाला कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया। और इसके बाजुओं में क्या लगा है, ये तो सोना है, गोल्ड। बाय द वे गोल्ड हो या क्या ही हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को बस पैसा चाहिए पैसा। अब वो कहां से मिलेगा पता नहीं। अब यार ये बीच में किसका कॉल आ रहा है, कौन कॉल कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर प्राइम। फ्रैंकलिन एक गड़बड़ हुई है, ऑप्टिमस प्राइम ने शहर में सेना भेज दी है। डिसेप्टिकॉन शहर में तबाही मचा रहे हैं, और शहर में वो चीज भी आ गई है जो कि इस अर्थ को निगलने वाली है। वेट अ सेकंड, ये अर्थ निगलने वाली चीज मुझे बताई क्यों नहीं। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, अब तुम उसके लिए तैयार हो। तुम्हें जाके उस सेना को तबाह करना है, और उनके ऊपर $5,00,000 का इनाम भी है, उससे तुम सूट को और अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन वो चीज है क्या, आसमान में उड़ के देखो। ऑल राइट देखता हूँ, लेकिन वैसे आसमान में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज तो मुझे यही से दिखाई दे रही है। लेकिन ये बला है क्या है। फ्रैंकलिन ये चीज एक जिंदा डिसेप्टिकॉन है, बहुत ही बड़ा दानव है। ये पूरे शहर को नहीं पूरे प्लेनेट को खाएगा, क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और इसकी एनर्जी है खाना, और इसका खाना है एक पूरा का पूरा प्लेनेट। सही कहा। ऑल राइट कुछ न कुछ करना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। उसकी सेना कहाँ पे है। यस मैं पहुँच चुका हूँ। ओहो ये रहे डिसेप्टिकॉन सारे के सारे, ये बचने नहीं चाहिए, खत्म करो इसे। आउच, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझसे तो निपटो। ये ले। ओ भाई साहब कितना खतरनाक है मैं, और भाई इन लोगों को पेलने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम लोग तो यार ऐसे ही नमूने हो, जिन लोगों को कुछ आता वाता तो है नहीं है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहलाते। ये ले, ये ले। एक झटके में कितने सारे लोगों को पेल रहा हूँ। फ्रैंकलिन भैया ये चीज क्या है। चौप के बच्चे मुझे खुद को नहीं पता वो क्या चीज है। अरे प्लीज जल्दी जल्दी इन ट्रांसफॉर्मर्स को खत्म करो। बाय दी वे ट्रांसफॉर्मर्स को नहीं, डिसेप्टिकॉन्स को। अरे सारे के सारे रोबोट ही है, कौन सच्चा कौन बुरा कैसे पता चलेगा। जो काले है वो डिसेप्टिकॉन। अरे अब भी तो काले हो। चौप के बच्चे चुप हो जा। इसकी बात सुनने के चक्कर में मैं सेना को खत्म करना ही भूल गया। ये ले ये ले ये ले। अरे यार इनको जितना पेल रहा हूँ उतने पैसे मिल रहे हैं। $5,00,000 तो कंप्लीट हो चुके हैं। अरे अरे ये ले ये ले। लेकिन उसका कुछ करना पड़ेगा, वो चीज अभी भी हमारे शहर के अंदर मंडरा रही है, और ये कभी भी शहर को निगलना चालू कर सकती है। उससे पहले इन सब का नामो निशान खत्म करता हूँ। ये ले। अब बहुत हो गया गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फाइनल स्मैश। मेरे पास भी एनर्जी है। ये ले। ओ भाई सारे के सारे डिसेप्टिकॉन्स खत्म, कुछ बचे हुए है जिन लोगों को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं। तुम हमें नहीं हरा सकते, हम है डिसेप्टिकॉन, हमारे प्राइम्स मरेंगे। ऐसी बात है, पहले अपने आप को तो संभाल ले। भाई हो गया गोल। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम गाइस, $5,00,000 मिल चुके हैं। ये खोला मैंने ऑनलाइन स्टोर और $5,00,000 का सूट परचेज। ऑसम यार ये वाला सूट तो खतरनाक है, मजा आ गया। ऐसा सूट तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पता तो नहीं है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। 3, 2, 1 ट्रांसफॉर्म। ऑसम एक प्लेन, इसे चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और हमसे आराम से आराम से आराम से आराम से।
ये चीज क्या है, इसको मैं खत्म कर सकता हूँ? ऑलराइट, कोई बात नहीं, आराम से कर लो, आराम से कर लो, आराम से कर लो। फ्रैंकलिन, मेरी बात सुन रहे हो? अभी अभी एक डिसेप्टिकॉन उस क्रीचर के अंदर से निकला है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्या कहा, मेरी तरफ? आउच आउच आउच, अरे भाई आग लगा दी, आग लगा दी, आउच आउच, ट्रांसफॉर्म, आग लग गई, आग लग गई, भागो भागो भागो। बच गया, बच गया, बच गया। लेकिन कौन हो सकता है, कहाँ पे है वो डिसेप्टिकॉन? ओह माय गॉड, ये रहा। तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा गया है, मैं हूँ मेगाट्रॉन का दाहिना हाथ। तुमने हमें बहुत ही हल्के में लिया, तुम अब गए प्राइम। वैसे मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। हमला, आउच 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 आउच, बाप रे बाप, ये तो मेरे ऊपर हमला करने लगा। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें उस चीज को रोकना होगा। फ्रैंकलिन, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे अब क्या हो गया ऑक्टोपस प्राइम? उसे जगाने के लिए मेगाट्रॉन उसके सर के ऊपर जा चुका है। हाँ तो तुम जाके उसे रोको ना। नहीं फ्रैंकलिन, हम नहीं जा सकते। मेगाट्रॉन का सामना करने के लिए क्यूबिक की एनर्जी कम पड़ रही है, इसीलिए तो हमने तुम्हें योद्धा चुना था। तुम्हें जल्दी उसे रोकना होगा। ऑलराइट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका चेला बीच में आ रहा है। अरे कहाँ पे गया वो? रहा, तुझे तो आज मैं पूरी तरीके से निपटा दूंगा। आउच आउच आउच, ये तो बहुत खतरनाक है गाइस, इसके पास छोटी मोटी ताकतें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। तू तो गया, ये ले। कैसा लगा? तुमने मुझे कम समझा, ये तुम्हारी गलती है। तुम देखो अब हम क्या करते हैं। कुछ भी करने से पहले ये ले। गाइस फाइनली इसको निपटा दिया, और अब इसका काम तमाम भी करते हैं। ये ले, अब चलते हैं उस चीज की तरफ जो हमारे शहर में तबाही मचाने वाली है। जिंदा मेगाट्रॉन क्रीचर, बहुत घटिया नाम है, लेकिन अब वहाँ पे जाए कैसे? उत्तरी की, मेरे अकाउंट में तो 1 मिलियन डॉलर आ गए हैं, लगता है इसको मार के पैसे मिले हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये खोला शॉप और 1 मिलियन का सूट परचेज। ये समय आ चुका है तुम्हें जिंदा करने का बच्चे, मेगाट्रॉन तुम्हें जिंदा करेगा। ये ले बच्चे, जाग जाओ। ये हुई ना बात, तुम जाग गए। मेगाट्रॉन तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या, तुम यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर, तू तो अब गया। ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तुम्हें देख लेगा। ये ले। नहीं, कैसे वैसे करके मैंने बहुत ऊपर तक चढ़ाई की थी, अब वापस कूदना पड़ेगा नीचे। चलो चलते। अब बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं, इसे रोकूं कैसे, ये तो चालू हो गया। फ्रैंकलिन, तुम्हें उसके पेट के ऊपर वार करना होगा जहाँ से वो खाना खाता है। उसका पेट? वो रहा, मुश्किल तो नहीं है मेरे लिए, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये इसका पेट है, अल्टीमेट फाइनल ब्लास्ट। क्या मैंने कर दिया? फ्रैंकलिन, तुम्हें इसके ऊपर वार करना है, वो धीरे धीरे हार रहा है। ये हुई ना बात। ये तो पूरी तरीके से नीचे गिर गया। निकल जा हमारी धरती से। फाइनल अटैक, फुल पावर, ये ले। ओ माय गॉड, ये चला गया। हाँ अच्छा हुआ, चलते हैं अभी यहाँ से। फाइनली मैं ट्रांसफॉर्मर बन गया। अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, हमेशा की तरह काम होते ही मुझे फेंक दिया ऊपर से। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, हम तुम्हें बाद में ट्रांसफॉर्मर जरूर बनाएंगे, अभी हम चले हमारे प्लेनेट के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, काम हो गया तो अब क्या है, निकल लो। कोई बात नहीं गाइस, ये लोग तो मेरे साथ ऐसा ही करते रहते, मेरे को आदत है, लेकिन आप लोगों को भी आदत है चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक करने की, और कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसे लगा। मिलेंगे कोरोना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।